2004 में शुरू हुई इस एप्लीकेशन की कहानी आज सबके जुबान पर है। एक कॉलेज स्टूडेंट के द्वारा किया गया स्टार्टअप जिसका नाम था फेसबुक, मार्क जुकरबर्ग के द्वारा। इनिशियली ये आइडिया सिर्फ यूनिवर्सिटीज के लिए था, लोग आसपास में इंटरेक्ट कर सकते थे और दोस्त बना सकते थे। पर धीरे धीरे इसकी पॉपुलैरिटी बढ़ती गई और दूसरे यूनिवर्सिटीज में भी ये बढ़ने लगी। और देखते ही देखते सिर्फ एक कॉलेज नेटवर्किंग साइट नहीं रहा बल्कि ये एक ग्लोबल सोशल नेटवर्किंग साइट बन गया। फिर 2012 में फेसबुक ने एक बड़ा कदम उठाया और उसने इंस्टाग्राम को खरीद लिया। इसके बाद 2014 में व्हाट्सएप को भी एक्वायर किया। फिर 2012 में ही फेसबुक ने इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग किया यानी IPO। और 2018 में फेसबुक ने एक और बड़ा कदम उठाया जब कंपनी ने मेटा बनाने का इरादा किया। मार्क जुकरबर्ग ने इस स्टेप को लेकर मेटावर्स की डायरेक्शन में अपना पहला विजन शो किया। लेकिन फेसबुक ने अपने सफर में कई समस्याओं का भी सामना किया, जैसे कि डेटा ब्रीच और फेक न्यूज का फैलना। इसके बावजूद फेसबुक दुनिया भर में एक इम्पोर्टेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बन गया है जहां लोग अपने थॉट्स, पिक्चर्स और लाइफ एक्सपीरियंस को शेयर करते हैं।